शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद सभी सरकारी विद्यालयों में क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के बाद शिक्षकों व प्रधानाचार्य को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के निर्देश की पूर्ण रूप से पालना की जा रही है। विद्यालय में आने के बाद सभी शिक्षकों द्वारा अपने मोबाइल साइलेंट करके एक जगह रख दिए जाते हैं। एसटीएम टीम ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभ नगर पहुंचकर वहां की स्थिति को देखा। कम स्टाफ के बावजूद भी स्कूल प्राचार्य ऋचा शर्मा द्वारा स्टाफ के सहयोग से लगातार विद्यालय नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में 500 से अधिक नामांकन इस विद्यालय में है। इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 95% से अधिक रहा है, लेकिन नए नियम के चलते कई सारे काम जो टीचर्स को मोबाइल पर करने होते हैं वह सफर कर रहे हैं। और स्कूल प्राचार्य ऋचा शर्मा का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन व नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं विद्यालय में जो टीचर स्टाफ है उसके द्वारा स्कूल में प्रवेश लेने के साथ ही अपने मोबाइल को साइलेंट करके एक जगह जमा करवा दिया जाता है। उसके बाद लंच के समय ही टीचर्स को अगर कोई बात करनी हो या घर पर कोई मैसेज देखना हो तो वह स्टाफ रूम में आकर ही देख सकते हैं, लेकिन स्टाफ रूम से आगे मोबाइल ले जाने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। प्राचार्य का कहना है कि स्कूल का परीक्षा परिणाम बेहतर है, लेकिन स्टाफ की कमी है जो फोर्थ क्लास नहीं होने के कारण अगर किसी टीचर को उठकर जाना पड़ता है तो इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट के टीचर भी कम है। कितने टीचर्स टोटल होने चाहिए अभी जो भाई जितने हमारे को स्वीकृत पद हैं उतने तो होने ही चाहिए। जैसे मेरे अभी लेक्चरर्स खाली, तीन लेक्चरर्स के पद मेरे खाली है, तीन लेक्चरर्स के पद खाली है। उर्दू का खाली है, सिंधी व्याख्या का खाली है और अर्थशास्त्र का खाली है। बिल्कुल मोबाइल के लिए हमारे पास में आदेश आए कि आपको सभी के मोबाइल एक जगह एकत्रित करके रखने हैं, तो हमने उसकी व्यवस्था भी कर दी है। हमने प्रभारी बना दिया और सारे मोबाइल जो हैं जो भी टीचर्स लाते हैं उनको हमने स्विच ऑफ करवा करके या उनको साइलेंट मोड पर रखवा करके एक अंदर वाले कमरे में रखवा दिया है। और इस हेतु इस तरह की व्यवस्था हमने करी।